सुबह सुबह कोई वैक्यूम क्लीनर चला रहा, सफाई कर रहा। भाई बंद कर दो, मैंने ब्लॉग शुरू करना है, अपना ब्लॉग शुरू करना है। आज हमारा प्लान है हैम्बर्ग जाने का। हमने वहाँ क्यों जाना है ये आपको हम साथ साथ बताएंगे। पहले हम तैयार होंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे, नहीं पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर हम तैयार होंगे और फिर हम निकलेंगे हैम्बर्ग के लिए। सैटरडे है तो नाश्ता हम कर रहे हैं 12 बजे। साथ में है हमारे पास बॉइल्ड एग्स, ब्रेड और कुछ ब्रेड स्प्रेड है। लेकिन आपका भाई इस टाइम खाएगा बीफ पुलाव, क्योंकि एक का टाइम हो चुका है और ये है टाइम खाने का, और साथ में मटन का सालन भी है। ये ब्रेड और अंडे ये खाएंगे बाबू। साथ में होगी चाय, चाय 2 कप। आए हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्यूम क्लीनर फिर चल गया। तो हमारे पास है यहाँ पुलाव, पुलाव में बीफ की बोटियाँ थी, बोटियाँ कहाँ गई? स्प्रेड में क्या क्या है? पहले भी बता चुका हूँ कि सुबह नाश्ते में हम यहाँ स्प्रेड यूज करते हैं। इसमें है पेपरिका है, टोमेटो है और गुरकन ककम्बर है। तीन वाली में है जनाब साहब लहसुन है, पेपरिका है और प्याज है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया था, रेडी हो चुके हैं हम। सांस चढ़ रहा है, थोड़ा सा भागना पड़ गया वरना बस नहीं पकड़ी जानी थी। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बस स्टॉप पर, हमारी बस भी आ गई है, अब उसमें ट्रेन स्टेशन जाना है। पहुंच गए हैं यहाँ के ट्रेन स्टेशन, यहाँ से अब हमने पकड़नी है ट्रेन। बस अब दुआ कर रहे हैं कि जगह मिल जाए, क्योंकि आजकल ट्रेन पे रश बहुत होता है। तो हम ट्रेन स्टेशन हैम्बर्ग ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गए। यहाँ बहुत बहुत रश है, बहुत रश है ट्रेन पर यहाँ आजकल। एक तो टिकट 49, सिर्फ 49 यूरो की हो गई पूरे जर्मनी में, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इस टिकट पर। बाय। हमें ज्वाइन किया है हमारे प्यारे दोस्त उस्मान, मोहम्मद उस्मान ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हमारा पहला स्टॉप है सैटर्न। यहाँ से आपके आपको हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल लैपटॉप जो भी चाहिए आपको यहाँ से मिल सकता है। देखते हैं कौन सा लैपटॉप हमें पसंद आता है। लैपटॉप लिया था हमने तकरीबन 2 साल पहले, देखें जी डेल का मोनोग्राम आ रहा है, लैपटॉप ऑन होता है लेकिन फिर ये एरर दे देते हैं। यहाँ जो लैपटॉप ख़राब हुआ है उस पर कितना ख़र्चा आना है उसे सही करने का, अगर महंगा हुआ तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसे सही किया जाना है इसे, तो फिर हम सही खुद करेंगे। सो सैटर्न से लैपटॉप नहीं बन पाया, उन्होंने कहा कि गारंटीज़ की ख़त्म हो गई, वारंटी 2 साल की। तो सिर्फ 100 यूरो सिर्फ डेल को भेजने के लग रहे हैं। तो लैपटॉप देखे जा रहे हैं, अहमद भाई वहाँ पूछ रहे हैं उनसे, उन्होंने ऑनलाइन कुछ लैपटॉप देखा था, पसंद आया था उन्हें। मीडिया के ग्राफिक कार्ड में लेना है तो 1300-1400 यूरो से कम आपको नहीं मिल रहा। आपको ने गेमिंग करनी है गेमिंग के लिए तो फिर सही है, वरना IS भी बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, इंटेल का अपना ग्राफिक कार्ड है। तो लैपटॉप ये पसंद आ गया भाई को, लिनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5, i7 RX और तकरीबन 900 यूरो का है। माशाल्लाह से अच्छा लैपटॉप। जनाब वेदर चेक करें, आज यहाँ है अराउंड 20 डिग्री। अब हमें भूख लग गई है और अब हम आए हुए हैं यहाँ सबवे, सैंडविच खाएंगे। तो हम आ चुके हैं अंदर, हमने ऑर्डर किया है ये स्पाइसी वीगन पैटी। हाँ जी, 15 सेंटीमीटर थी, हमने ऑर्डर किया, तीन ऑर्डर किया है ना, स्नैक्स किए हमने। और हमारी फैमिली को नहीं पता है, डिनर हम उनके साथ करेंगे लेकिन हम बताएंगे नहीं कि हमने यहाँ किया। उन्हें वीडियो में पता चल रहा है। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ऑर्डर दे रहे हो आप? नहीं, एलोपिनो डलवा लो बस। तो हमने सैंडविच खा लिया,
और घर तो फैमिली की भी कॉल आ गई है, वो भी शॉपिंग से फ्री हो गए और अब उन्हें भी भूख लगी हुई है। खाने का पूछ रहे थे कि कहाँ से खाना है, हम उनसे खाने वाली जगह पे मिलेंगे। हमने ये नहीं बताना कि हम ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, देखते हैं हमने वहाँ क्या फिल्म चलानी है, तो हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। ये मुंड्सबुर्ग माइले मॉल है और अंदर से देखें क्या डेकोरेट किया हुआ इन्होंने। ये शॉप है शेपो के नाम से, जहाँ से बैग लेना है मैंने, और हमें बैग आया है ये पसंद। खाने के बाद ड्रिंक्स, और फैमिली को हम फिल्में करवा रहे हैं कि हम तकरीबन पहुँच गए हैं उस वक्त में। कहाँ पहुँचे हुए वो? 5 मिनट पहुँच रहे हैं। और लगना कितना टाइम है? चल है, कुछ नहीं होता, 5 मिनट का चल दिया। फिर अब वो एक रेस्टोरेंट पर हमारा इंतज़ार, जो मैंने ये गिफ्ट किया है अब यहीं देना पड़ेगा, घर जा नहीं सकते इस गिफ्ट के साथ बगैर दिखाए। तो बहुत भूख लग रही है, अब हमें क्या खाया जाए। ओ यार भूख लग रही है उस्मान भाई, आपको लग रही है भूख बहुत? सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या खाना है? तो अब हम आए हुए यहाँ डोनट रेस्टोरेंट, और यहाँ से अब हम लेंगे डोनट टेलर, यह मिनी डोनट। ये डोनर खा रहे हैं आपके सामने? मिनी डोनर कभी खाते ही नहीं, आप तो फ्लैटर खाते हैं। बस आज भूख नहीं है इतनी। आज का व्लॉग का इख्तिताम करते हैं यहीं। खैर खैरियत से हम लूनेबुर्ग पहुंच आए हैं हैम्बर्ग से, और वापसी भी हमें बस नहीं मिली, इसलिए हमें फिर गाड़ी रेंट पे करवानी पड़ी, और अब हम खैर खैरियत से घर पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हैम्बर्ग घूमना चाहते हैं मेरे व्लॉग में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह हैम्बर्ग दिखाएंगे हम, उसकी अच्छी अच्छी प्लेसेस विज़िट करवाएंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, सब अपना ख्याल रखें और अपनों में खुश रहें। खुदा हाफिज़।